तो गाइस जैसे कि आपको पता है एलविश यादव के व्लॉग्स में केवल यही कमेंट्स रहते हैं कि भाई कीर्ति मेहरा कहां पर है, हम उनको मिस कर रहे हैं, जैसे कि आप ये देख भी सकते हो। और काफी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई अब कौन सी गर्लफ्रेंड है आपकी, तो ये सारे सवालों का जवाब देते हैं फाइनली एलविश यादव ने रिएक्ट करा है अपने एक व्लॉग में। आप पहले ये सुनिए भाई, पब्लिक को कंफ्यूजन रहती है कि एलविश भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या है, कैसी है। मतलब एक इस सवाल का जवाब देता हूँ कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, डीपी भाई बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कौन है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड है ही नहीं यार कोई, मैं कई जैसे कई मेरे तक पूछा जाए, मैं जेन्युइन बोलूंगा, वो मत समझना कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। जैसे कोई पूछे भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगा, बोले कि नहीं भाई, तो वो मेरे तो नहीं कहा, और एलविश भाई तुम तो खूब स्मार्ट हो, फिर कैसे गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी, तो मैं उनको क्या बोलूँ, बताओ क्या बोलूँ। मेरे मुंह में भी कुछ गलत आ रहा था। मैंने सोची नहीं, अब भाई संत आदमी योगी बाबा, भाई कुछ नहीं रखा यार गर्लफ्रेंड में, अपने अरेंज मैरिज करो और मौज लो, वो अलग बात है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और ऐसी मेरी कई बेस्ट फ्रेंड है जो मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो भाई एलविश यादव की साइड से तो केवल यही देखने को मिलता है कि वो बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं, बट कीर्ति मेहरा की साइड से हमको ये देखने को मिलता है कि वो एलविश यादव को कहीं ना कहीं मिस कर रही है, क्योंकि वो पोक करते रहते हैं बार बार। जैसे कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि भाई लोकेशन तो क्या ही बताऊं, तो उसमें एक बंदे ने कमेंट करा था कि आई नो बिकॉज ऑफ एलविश, तो उन्होंने उसका रिप्लाई भी करा था अप्रिशिएटेड। और यहाँ पर रिसेंटली कीर्ति मेहरा ने एक और यहाँ पर पोस्ट डाला, उसके कॉमेंट सेक्शन में दो लोगों ने यहाँ पर कॉमेंट किया, एलविश यादव से रिलेटेड नहीं किया था बट यही किया था कि मतलब आपके लुक्स वगैरह काफी सही हैं, ये सब कमेंट किया था। बट उन्होंने कीर्ति मेहरा ने उन दोनों कमेंट्स को पिन कर दिया है, और इनके अगर आप यूजर नेम देखोगे तो भाई एलविश यादव कर करके एलविश यादव फैंस, एलविश यादव की दीवानी कुछ इस तरीके से है। तो कीर्ति मेहरा ने इन दोनों को यहाँ पर पिन भी कर दिया है जो सबसे टॉप पर दिखते हैं। तो कीर्ति मेहरा की तरफ से मुझको यहाँ पर रोज ही कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है कि जैसे एलविश यादव से रिलेटेड। कीर्ति मेहरा के कॉमेंट सेक्शन में भी बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे यहाँ पर सवाल आते हैं कि आप एलविश यादव को मिस कर रही हो ना, आई नो, या सर एलविश यादव को लव वगैरह कुछ भी, इतने ज्यादा बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं। उनका फिलहाल अभी कीर्ति मेरा रिप्लाई नहीं करती है, देखते तो भले ही होगी, ठीक है। बाकी आपका कहना है इस पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।